अरे हाँ, मोटू इनविटेशन कार्ड ले आया है, खूबसूरत है, छपाई भी बहुत बढ़िया है। कल सब पे नाम लिख के मोटू को दे दो बांटने के लिए। हाँ, जरा चलेगा फिरेगा तो उसकी चर्बी कम होगी, चारों तरफ से गोल होता जा रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हमारे मैनेजर साहब चलते हैं तो लगता है वो लुढ़क रहे हैं। बिना पहनने के लोटे की तरह। लेकिन बाबा, उनसे थोड़ी सारे कार्ड बांटे जाएंगे, कुछ को पोस्ट करना पड़ेगा, कुछ को मैं बांटूंगा। वो तो ठीक है, मुद्दा ये है कि कार्ड लोगों के हाथ में 3-4 दिन पहले पहुंच जाने चाहिए। अच्छा ये बता, शॉपिंग कैसी रहती रही? शॉपिंग तो ज्योति कर रही थी, मैं तो उसके पीछे पीछे दुमछल्ले की तरह चल रहा था। नहीं बेटे नहीं, इस स्टेज से भी ऐसी बात नहीं करना, कभी नहीं करना। क्या होता है, इससे सामने वाले का ईगो हर्ट होता है ना। आखिर लाइफ पार्टनर है वो तेरी, साथ साथ चलना है तुम्हें, गाड़ी के पहियों की तरह। ठीक कह रहा हूं ना? अगर तुमने इस मामले में कभी भी कोई भी गड़बड़ की तो बच्चों, तुम्हारे और उसके कान पकड़ के चपत लगाऊंगा मैं। अगर ऐसी नौबत आएगी तभी ना। विक्रांत एक बात तो है जी, उस फटीचर फकीरचंद की किस्मत अच्छी जो तुझ जैसा बढ़िया लड़का उसे दामाद के रूप में मिल गया। उसे तो कोई ऐसा लड़का मिलना चाहिए था जो मोटा दहेज लेके उसे कंगाल कर देता। उसने भी तो लोगों का खून चूस चूस कर दौलत इकट्ठा की है। बाबा आप कहें तो उनके साथ भी थोड़ा सा नाटक किया जाए है? और उन्हें सताया जाए, यही तो वक्त है। नहीं नहीं नहीं, गलती से भी ऐसा मत करना, वरना वो मगरमच्छ के आंसू बहा के हमें बदनाम करेगा। ऐसा बदनाम करेगा कि हम जिंदगी भर दाग धो नहीं पाएंगे। बेटा हम तो सीधे साधे लोग हैं, वो नाटकबाज है। अगर तुझे ज्योति पसंद ना आती ना तो आप उसे अपना समधी नहीं बनाते, यही ना? ऐसे ही कुछ समझ ले। आई एम सॉरी बाबा, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। बेटे ऐसे तकलीफ की में ये मजा आता है, क्योंकि मुझे देखनी थी तेरी खुशी, देख रहा हूं तेरी खुशी और देखना चाहता हूं तेरी खुशी। मैंने अपने मन को समझा लिया कि मुझे कौन रात दिन उसके साथ उठना बैठना है, मेरी फकीरचंद के साथ शादी थोड़ी ना होने वाली है। लेकिन बाबा आपको मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आई एम फीलिंग गिल्टी माइसेल्फ। डोंट फील गिल्टी, ये जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं ये जिंदगी में करने ही पड़ते हैं बेटा, उसी का नाम जिंदगी। दिल छोटा मत कर और एक काम कर, अब जाके बढ़िया नींद लेने का बंदोबस्त कर, सो जा। क्यों, कैसी रही? ओके, सो जाए, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाबा। अरे भगवान, तू कट्ठे जा बैठो। हाँ, शंकर नहीं आया, बहुत दिन हो गए हैं। देखो उसके कितने पैसे बाकी है, न ब्याज देता है न मुद्दल देता है। हैं? बहुत बाकी है, कुछ भी देता नहीं है, हैं? और खेत में जो उपज होती है वो बेच के खा जाता है, बच्चे पैदा करता रहता है। देख लूंगा मैं तुझे, कल सवेरे ही भेजता हूं आदमी। रात बहुत हो गई है, ये ट्रिन ट्रिन को चैन नहीं है। हाँ भैया, ट्रिन ट्रिन। हेलो हेलो डेरी, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो भाई? नहीं मेरा मतलब है बाबा, अच्छा किया तुमने फोन किया भाई, मैं तो सोच रहा था कि किसी ब्याज पर लेने वाले आदमी का फोन आ गया। तो ठीक है, मैं फोन रख देता हूँ। वो तो ज्योति ने मुझे कहा था आपसे बात करने के लिए, इसलिए मैंने फोन किया। नहीं नहीं, तुम नाराज हो गए? अरे भाई, तुम्हारे फोन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दिल के राज की बात मैं किसी और के सामने कैसे कर सकता हूँ, तुम्ही से तो कर सकता हूँ ना, हैं? अच्छा अच्छा, वो वाली बात। तो बताइए आपकी गाड़ी कहाँ तक पहुंची? अरे मेरी गाड़ी तो रुकी पड़ी है भाई, अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। जटाशंकर जी अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोग्राफ्स लेकर आए थे। मैं देख ही रहा था और पसंद करने ही वाला था कि तूफान की तरह ज्योति बीच में आ गई, बात वहीं पर लटक गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो क्या ज्योति को आपकी प्लानिंग के बारे में पता चल गया? अरे नहीं नहीं, ज्योति को कैसे पता चलेगा भाई, मैंने इस तरह से बात को घुमा दिया
और कहा कि बेटी देखो जटाशंकर जी कैसी कैसी लड़कियों के फोटोग्राफ्स लेकर आए, इनका संसार में कोई नहीं है, इनको भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो इनका संसार बस जाए, इनका उद्धार हो जाए। ज्योति को मेरी बात है ना गले में उतर गई और उसने कहा डैडी मैं इनके लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी ताकि इनका भी उद्धार हो जाए, इनका संसार बच जाए। मान गए आपको। आप एक नंबर के खिलाड़ी हैं। सो तो हैं। तो आगे क्या सोचा है आपने? अरे सोचना क्या, मैंने जटाशंकर जी को बोला औरतों के फोटोग्राफ्स मत लाओ भाई, लड़कियों के फोटोग्राफ्स लाओ, अभी बुढ़ापा थोड़े ही आया है। तो जटाशंकर जी अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोग्राफ्स लाने वाले, उसी में से किसी एक को मैं अपने उद्धार के लिए चुन लूंगा। पर बेटा जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती है तब तक मेरी गाड़ी तो आउटर सिग्नल पर ही खड़ी रहेगी ना। ये बात तो है रेडी, लेकिन आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर आपको अपना मामला कॉन्फिडेंशियल ही रखना है तो आप पंडित जटाशंकर के घर क्यों नहीं चले जाते? अरे मैं जटाशंकर जी के वहां चला गया ना तो वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। हाँ, अरे वो तो मेरे घर में ही है, एक फोटोग्राफ पर अटक कर बोल रहा था वो दो वो दो वो दो वो दो। मैंने कहा क्या दो भाई, जब सब कुछ हो जाएगा तो दूंगा ना, बीच में कहां से दूंगा। वो दो का मतलब पैसे दो भाई। तो फिर छोड़िए पंडित जी का झंझट, हम ऐसा करते हैं एक इश्तेहार अखबार में दे देते हैं, उसमें पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात है। अब ये बात तय रही, हम पेपर में इश्तेहार देंगे, पोस्ट बॉक्स में अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स, उनका बायोडेटा सब कुछ आएगा, उसमें से किसी एक को चुनकर मैं तुम्हारी सांस बना दूंगा। तुम्हारी सांस चल रही है ना, बाद में तुम्हारी सासू जी मेरे घर में चलेगी। हेलो महेश यार, हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, वो सारा बंदोबस्त अभी करवा देता हूँ। हाँ जी आज ही, आज ही हो जाएगा श्योर। हेलो, हाँ अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, देखो मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम सारे चिंग्स बैंक पे डलवा देना। हाँ जी हाँ ठीक। कविता मैं चल रहा हूँ। लीजिए आपका रुमाल। धन्यवाद, ठीक है मैं चलता हूँ, साहबजादे तो आराम फरमा रहे होंगे, अपने किस्मत में कदा मजूरी लिखी है सो तो करना ही पड़ेगी। नमस्ते महेश भाई। गिरधारी भाई नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। निमंत्रण देने निकला हूँ, बस आप ही से शुरू कर रहा हूँ। लीजिए। बहुत अच्छा है, लेकिन बैठिए तो सही। लगता है आप फैक्ट्री जाने निकले हैं, मुझे भी और जगह जाना है तो चलूं मैं। अरे चले जाएंगे भाई, कौन सी सरकारी नौकरी है हमारी। हाँ ये तो है। कब का मुहूर्त निकला है? 24 तारीख को सुबह 10 बजे नए यूनिट के कंस्ट्रक्शन के लिए भूमि पूजन है, उसी दिन शाम को सगाई होने वाली है। आप सभी को उस दिन सुबह का और शाम का खाना हमारे साथ लेना पड़ेगा। और भाभी जी जो सगाई की विधि है उसकी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। संभाल लूंगी, ये जिम्मेदारी संभालने में मुझे खुशी होगी। गिरधारी भाई ये बहुत अच्छा किया आपने, अब शादी का मुहूर्त भी निकलवा लीजिए, घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक भी बढ़ जाएगी। महेश भाई ये जो नए यूनिट का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रहा हूँ ना, इसके खत्म होते ही शादी भी हो जाएगी। सेकेंड यूनिट से विक्रांत के शादी का क्या ताल्लुक? बस भाभी जी ऐसे ही मन में आया कि नया यूनिट बहू को प्रेजेंट किया जाए, इसलिए ऐसा प्रोग्राम बनाया है। आपने जो दिल में सोचा है वैसा ही कीजिए। जी कविता, ये छोटी छोटी खुशियां तो इंसान को व्यस्त रहने का मकसद देती हैं, इनसे प्रेम का वातावरण बनता है, एक दूसरे के लिए लगाव बढ़ता है। अरे आप खड़े क्यों, बैठिए आप। भी बैठिए ना। जी बैठिए आप। महेश भाई अभी आपने जो बात कही ना बिल्कुल सही है, इंसान को जीने के लिए कोई मकसद तो चाहिए ही। अच्छा आप ये बताइए आप क्या पियेंगे,
चाय, कॉफी या ठंडा? एक ग्लास ठंडा पानी। ऐसे थोड़ी होता है, इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, कुछ तो पीना पड़ेगा। अब आपकी बात टाल तो नहीं सकता। ठीक है, पहले चाय पिला दीजिए। आप पियेंगे? थोड़ी सी। किरदारी को कंपनी तो देनी पड़ेगी ना। अभी लाती हूँ। गिरधारी भाई, कविता को तो जिम्मेदारी सौंपती, अब मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। आपका काम है महेश भाई निगरानी रखना, ओवरऑल सुपरविजन। अगर किसी चीज की कमी महसूस हो फौरन हुक्म कीजिए, बस आपका वहां मौजूद रहना बहुत जरूरी है। ज्योति और विक्रांत को सबसे पहले आशीर्वाद भी आप ही देंगे, क्योंकि आप न सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं बल्कि गाइड हैं, सब कुछ हैं। गिरधारी भाई, आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं तो उन्हें निभाने के लिए मुझे तो अभी से कमर कस लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सुबह से ही हाजिर हो जाऊंगा। क्या बात है।